असलम टू स्टूडेंट ट्यूब आज के इस लेक्चर में चैप्टर नाइन वेरिएशन एक्सरसाइज है नाइन पॉइंट फोर क्वेश्चन है थ्री अब क्वेश्चन नंबर थ्री आप अपनी बुक में देखें तो लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर दॉल्यूम ऑफ दर वेरी रेडियस अब स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो वेरी करता है इसके क्यूब रेडियस पे एंड वेन द रेडियस इज थ्री अपॉइंट दॉल्यूम इज वन सेवेंटी फीट फाइंड द वॉल्यूम द रेडियस इज वन फुट नाइन इंचज़ सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो वेरीज कर रहा है स्फ़ेयर वो क्या है वी वेरी कर रहा है किस पे आर के क्यूब पे यानी कि रेडियस के क्यूब पे सो वी इज इक्वल टू वेरीज है तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा के आर क्यूब इक्वेशन वन ठीक है सो so अब के इधर रह गया वी अपॉन आर क्यूब इधर आ गया ठीक है सो so आर इज़ इक्ल टू अब क्या दिया हुआ है थ्री वन अपॉइन टू इज़ इक्ल टू यह हो गया थ्री पॉइंट फाइव फीट ठीक है और V क्या दिया हुआ है वन सेवेंटी नाइन टू अपॉइंट थ्री तो यह हो गया वन सेवेंटी नाइन पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन फीट टू अपॉन थ्री को डिवाइड करें और उसे वन सेवन नाइन में प्लस कर दें फीट स्क्वायर तो आप यहाँ पर के इज इक्वल टू क्या है वी अपॉन आर क्यूब तो वी क्या है हमारे पास वन सेवन नाइन पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन अपॉन आर क्या है हमारे पास आर क्यूब सो ये है थ्री पॉइंट फाइव का क्यूब ठीक है तो वन सेवन नाइन पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन अपॉन आर का क्यूब यानी कि थ्री पॉइंट फाइव का क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा फोर टू पॉइंट एट सेवन फाइव सो दोनों को डिवाइड किया सो के इज इक्वल टू फोर पॉइंट वन नाइन जीरो फोर तो अब हमें वी फाइंड करना है जब आर होगा वन फोर नाइन इंच प्लस नाइन अपॉन ट्वेल्व तो आर क्या आ जाएगा हमारा ये हो गया ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस नाइन ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेल्व सो आर क्या आया हमारे पास दोनों को डिवाइड किया सो वन पॉइंट सेवन फाइव फीट तो अब हमने V इज इक्वल टू फोर पॉइंट वन नाइन जीरो फोर के है ना ये देखें ये वाली इक्वेशन है V इज इक्वल टू के और R हमारा क्या आ गया वन पॉइंट सेवन फाइव क्यूब ठीक है सो so, v इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया ट्वेंटी टू पॉइंट फोर फाइव सेवन फीट क्यूब आंसर ठीक है तो so, फर्स्ट हमने फाइंड करना होता है कि देन इसी इक्वेशन में हम तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा मेन आपने ये है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि गिवन क्या है और कंडीशन क्या दी हुई है ठीक है तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा मज़ीद एक्सरसाइजेज़ इन क्वेश्चंस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब एंड साथ ही अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड से शेयर भी ज़रूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़